ऑल्सो सम पीपल आर सेइंग कि आई शाउटेड वो एक ने ये बोला था कि मेरे डेड पेरेंट्स के बारे में बोला। ये एक क्लब का रूल है जो कि बहुत गलत है एंड कोरियन गवर्नमेंट जो ना इसके ऊपर जरूर एक्शन लेगी। क्या आपको क्या लगता है कोरियंस की आरती करने जाते हैं, अमेरिकन की आरती उतारने जाते हैं क्लब्स में? नमस्कार गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट आर वी गोइंग टू डू, व्हाट आर वी डूइंग हियर इन दैट रिगार्ड। आई मीन वो जो बोर्ड था इट वाज वेरी रेसिस्ट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो कि माय फ्रेंड्स आर हियर एंड आई वाज वेरी बिजी सो आई कुडंट सेंड देम द ईमेल ऑन टाइम, बट फ्यू डेज बैक आई सेंड देम द ईमेल एंड I was very shocked and I was very surprised that within 1 hour I got a call from the embassy and they told me that they have already taken the action. They have sent this board picture to the government of Korea and they are very hopeful that something is going to happen very soon. Also, many group leaders have called me and Kisle Kumar also called me. Kisle Kumar is the one who was racially abused before. The similarity is bahut sari. He was with his American friends and they were going to a club or bar and unke American friends ko they let them go inside but Kisle Kumar ji ko rok liya tha ki nahi nahi aap nahi ja sakte, to Kisle Kumar ji ne unko sue kiya tha and uske baad club ne jo hai unko apologize kiya tha, to unhone mujhe call kiya and he told me that he will do everything in his capacity ki wo jo club hai humko India ko sorry bole. सो यस, फिंगर क्रॉस की आई विश वो रेसिस्ट जो बोर्ड है वो हट जाए जल्दी से जल्दी। सो गाइज, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग शुगर कोटेड थिंग्स देन आई एम नॉट द राइट गाय, सो डोंट सब्सक्राइब। ऑल्सो सब्सक्राइब माई न्यू चैनल, इन दैट चैनल आई विल बी गोइंग टू द मार्केट एंड आई विल बी लाइव फ्रॉम दैट चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड द लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर दो। गाइज, सबसे पहले मैटर समझ जाते हैं, मैटर क्या था। मैटर ये नहीं था कि हमको क्लब नहीं जाने दिया या फिर यू नो हमको बेइज्जत किया गया, नहीं ऐसा कोई मैटर नहीं था। आई मीन आई वॉज मोर हैप्पियर बिकॉज आई नेवर बीन टू क्लब हियर एंड आई वॉज हैप्पी, आई सेव मनी। द मैटर वॉज नेमिंग अ कंट्री ऑन नोटिस बोर्ड, इट इज आई मीन रॉन्ग। सो दोज पीपल हुआ सेइंग कि रूल है, वो ऐसा कोई रूल नहीं है भाई। माई ओनली पॉइंट इज दैट कि मत अलाउ करो इंडियंस को, मत अलाउ करो फॉरनर्स को, या फिर हमको पोलाइटली मना कर दो कि हाँ भाई हाउसफुल हो रखा है, या फिर हाँ भाई आपका ना $1,000 लगेगा एक बंदे का, तो हम नहीं जाएंगे भाई। बट आई मीन कुछ इंसिडेंट की वजह से आप पूरे इंडिया को बोलोगे ना कि हाँ भाई सारे इंडियन जो है ठरकी होते हैं। लिटरली मुझे ठरकी मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए हैं अपने लोगों के कि हाँ सारे इंडियंस जो है ना ठरकी होते हैं, सो ये बहुत गलत होता है भाई। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट मीन कमेंट्स गाइस। मीन कमेंट्स आई टेल यू देयर वर फ्यू कमेंट्स। सबसे पहले मैं एक कमेंट के बारे में बताता हूँ, एक पर्टिकुलर कमेंट के बारे में। समवन इतनी हेटरेड है उन लोगों को, इंडियन लोगों को। आई मीन देवर लाइक, एक ने ये बोला था कि मेरे डेड पेरेंट्स के बारे में बोला, मेरी सिस्टर डिसेबल है, ये ऐसा बोला। एंड देन शी आई मीन ही और शी उसने विश किया कि मेरा डिवोर्स हो जाए। तो एनीवेज एवरीथिंग इज ओके, बट जितनी भी मतलब कितना भी गंदा इंसान हो सकता ना कोई, दे शुडंट टॉक अबाउट डेड पेरेंट्स, समवंस पेरेंट डेड या अलाइव, शुडंट। आई मीन दिस इज नॉट फेयर। सो आई वॉज रियली शॉक, दैट कमेंट रियली हर्ट। आई मीन इट वॉज वेरी हर्टफुल, आई वॉज वेरी हर्ट बाय बिकॉज माई पेरेंट्स आर नॉट अलाइव and you know most of you don't know how they died and how I have recovered from their death. Pehla ye tha hamare India mein to hota hai, hum Indians bhi to aise hi hain, hum Indians to daru pee ke ladki chhedte hain, Indian men daru pee ke ladki chhedte hain ya fir club jaake matlab ladkiyon ko patane ke liye jaate hain, matlab bahut sari gandi baddi baatein thi bhai. Kis club mein log daru peene nahi jaate hain aur kis club mein log jo hai flirt nahi karte, किस क्लब में करते हैं? और बस इंडियंस नहीं है, ऐसा नहीं है। आप क्या आपको क्या लगता है कोरियंस की आरती करने जाते हैं, अमेरिकन की आरती उतारने जाते हैं क्लब्स में? आई मीन इतना इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना ज्यादा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इतना मतलब कुछ हो रहा है ना, कुछ हो रहा है कहीं पे, तो इंडियन ही होगा, अपने लोग कर रहे हैं। गाइस बहुत सारे लड़कों ने लड़कियों ने मैसेज किया कि इंडियन मैन तो ऐसे ही होते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके फादर भी इंडियन मैन है, आपका भाई भी इंडियन मैन है, आपके रिलेटिव्स भी हैं। आपको क्या लगता है कि आपके फादर क्या दारू पी की लड़की छेड़ते हैं रोड पे? गाइस आई एग्री कि आप कोरिया से प्यार करते हैं, बट माई वीडियो वॉज नॉट अगेंस्ट कोरिया, माई वीडियो वॉज अगेंस्ट रेसिज्म।
साउथ कोरिया में जो इंडियन कम्युनिटी है वो क्या करती है, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड. प्लीज गूगल अबाउट इंडियन कम्युनिटी इन साउथ कोरिया. इवन दो आई डोंट नो देम मोस्ट ऑफ देम, बट आई कैन से बिकॉज यू नो इन डाउन टाउन्स यू डोंट सी एनी इंडियन. इवन इफ दे आर इफ देर इज अ इंडियन वो अपनी फैमिली के साथ होता है एंड इट्स अ शेम क्योंकि आप उनको इंडियन मैन को गाली नहीं दे रहे हो, आप उनकी पूरी फैमिली को गाली दे रहे हो. एंड बहुत ही मतलब साइंटिस्ट होते हैं, बहुत ही हाईली सैमसंग एलजी में बहुत ही हाईली पोजीशन पे जॉब करने वाले लोग होते हैं इंडियंस, एंड बहुत ही स्कॉलर्स स्टूडेंट होते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं. तो उनके बारे में ऐसा बोलना इट्स नॉट डन. आई मीन मे बी यू डोंट नो अबाउट देम. एनीवेज कुछ ऐसे भी चमनचूतिए थे जो कह रहे हैं कि मेरे वीडियोस में ना मेरी वाइफ की फोटो एक भी वीडियो नहीं है, मेरे इन लॉज की एक भी वीडियो नहीं है, तो मैं हूं नकली, मतलब फेक हूं मैं, स्कैमर हूं. एक तो वाइफ फूफा मैं, मतलब मेरी वाइफ नहीं चाहती कैमरे में आना, तो मेरे इन लॉज नहीं चाहते कैमरे में आना, तो मैं क्यों दिखाऊं. तू मेरे घर आ जा भाई, चाय पिलाऊंगा भाई, बीबी से मिलवा दूंगा भाई, क्या टेंशन है तेरे को. ऑल्सो देर मैनी पीपल हुआ सेइंग कि मैं नेगेटिव वीडियोज ही बनाता हूँ साउथ कोरिया के बारे में, तो आई वुड लाइक टू टेल देम कि भाई आप लोग ही नेगेटिव देखना चाहते हो, मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव वीडियोज हैं, मैंने बहुत जगह पे तारीफें करी है कोरिया की, बट द थिंग इज आपको नेगेटिव देखना पसंद है, आप रजाई के अंदर जाते हो एंड यू जस्ट यू लव टू वॉच नेगेटिव थिंग्स, इट्स लाइक बिग बॉस. तो बिफोर ब्लेमिंग मी, अक्यूजिंग मी और समथिंग, you should check out my entire playlist or videos video list. also meri last video mein maine korea ko paste kara tha, to jo log mujhe ye bol rahe hai bas main negative dalta hu, aap logo ne wo video nahi dekha, wo nahi chala, ab mera kaam hai dalna, chalana kaam aapka hai, to maine to apni puri mehnat kari, lekin aapko bas dekhna hai negative. aapne wo video nahi dekha jahan pe maine I complimented aunties ki how good they are, aur aapne wo video nahi dekha ki ha bhai what Indians should learn from korea. नहीं, आपको बस ये है कि बस एक रेसिज्म वाला वीडियो डाल दिया, वो चल गया, अब तो आपको लग रहा है बुरा. ऑल्सो मैनी नॉर्थ ईस्ट पीपल हैव सपोर्टेड मी, बट देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि अच्छा हुआ नाउ यू नो. बट थिंग इज इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ रेसिज्म यू वुडंट आई मीन ब्लेमिंग मी और सेइंग ओ इट्स गुड थिंग दैट हैपेंड टू यू, यू वुडंट बी डूइंग दैट. एक कमेंट ये भी था कि अपने इंडिया में ऐसा होता है, अपने इंडिया में ऐसा होता है, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते. द थिंग इज दैट इंडिया में होता है, अग्री इंडिया में इससे ज़्यादा होता है, वो भी आई एग्री, ठीक है. बट अभी ये प्रॉब्लम मेरे सामने है क्योंकि बिकॉज अभी मैं कोरिया में हूँ, तो अभी मैं इसको कवर कर रहा हूँ. इंडिया में नहीं होता ऐसा मैंने कभी नहीं बोला. अगर मैंने किसी वीडियो में बोला हो कि नहीं इंडिया में तो मतलब लाल लैंड हो गया, ना ना भाई, कौन बोला, मैं तो नहीं बोलता. ऑल्सो सम पीपल आर सेइंग कि आई शाउटेड वो रूल है. सो गाइस, रेसिज्म किसी भी कंट्री का रूल नहीं हो सकता भाई. आई मीन दिस इज योर ब्रेन, यूज इट समटाइम. कोई भी कंट्री नहीं कह सकती कि हाँ भाई रेसिज्म करो, ये एक क्लब का रूल है जो कि बहुत गलत है, एंड कोरियन गवर्नमेंट जो ना इसके ऊपर जरूर एक्शन लेगी. अब बात करते हैं जिन लोगों ने सपोर्ट किया बट गालियाँ लिखी. गाइज, गाली देने से क्या होगा, गाली देने से वो बोर्ड हट जाएगा या कोरियन लोगों की मेंटेलिटी हट जाएगी, क्या होगा, गाली देने से कुछ नहीं होगा. आपको क्या लगता है, देशभक्ति यही होता है कि हाँ भाई यूट्यूब पर जाके गाली लिख दो एक कंट्री को, हो गई आपकी देशभक्ति? नहीं. अगर आप भी गाली देने जाओगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा? गाली देना इज नॉट द सॉल्यूशन. हमको आवाज उठानी थी, हमने आवाज उठाई, अभी हमको और आवाज उठानी है. सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही. आई थॉट दैट आई शुड बी टेलिंग यू व्हाट्स हैपनिंग इन कोरिया एंड आई शुड बी रिप्लाइंग टू सम कमेंट्स, सो मैंने आज वो दोनों कर दिए. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड देखते रहिए. सो क्रेजी, जय हिंद.